सीएससी वीएलई के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। जो योजना दोस्तों झारखंड में लागू होने वाला था, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, उस योजना का जो भी वेबसाइट था दोस्तों, हमारे सीएससी के डिजिटल सेवा के पोर्टल के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। इस प्रकार का कुछ दोस्तों आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना जो थी, उसका नाम दोस्तों अब होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। कुछ इसका डैशबोर्ड आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस प्रकार से वही योजना है, बस इसका नाम चेंज किया गया है। योजना के तहत राज्य की 21 से 50 वर्ष के बीच सभी वर्ग समुदाय की गरीब जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैंप लगाकर लाभुकों से लिया जाएगा आवेदन। इस डैशबोर्ड के अंदर दोस्तों काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि इसका नाम आपको देखने को मिल रहा होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसके साथ ही दोस्तों होम का ऑप्शन भी आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा। आगे अगर हम देखें तो प्रज्ञा केंद्र लॉगिन, इसी के माध्यम से दोस्तों हमारे प्रज्ञा केंद्र वाले लॉगिन करके पंचायत भवनों में कैंप लगाकर लाभुकों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ ही दोस्तों एक ऑप्शन और देख रहे होंगे, लॉगिन करें, ये भी ऑप्शन होगी तो इसके बारे में अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, जैसे ही आएगा तो फिर हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों इस वेब पोर्टल को आप कैसे लॉगिन करेंगे अपने डिजिटल सेवा के पोर्टल से, उसे पहले हम जान लेते हैं। साथ ही दोस्तों इसकी फॉर्म भी आ चुकी है, वो फॉर्म दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। संकल्प में आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं इस योजना से रिलेटेड। साथ ही दोस्तों जो फॉर्म है उसे भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों पहले जो फॉर्म हमने बताया था कि ये फॉर्म आने वाली है मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना के लिए, वही फॉर्म दोस्तों इसमें भी चलेगा। ये निःशुल्क फॉर्म हमारे लाभार्थियों को आंगनबाड़ी से प्राप्त होगा। तो ये फॉर्म रहा दोस्तों 3 पेजों का, जो पहले भी था, जो जिसे मैंने भी कहा था कि ये फॉर्म सही है, लेकिन कुछ यूट्यूबरों ने कहा था कि ये फेक है या फिर इसे सेल किया जा रहा है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि योजना आने से पहले ही कहीं कहीं कुछ सेंटरों से इस फॉर्म को सेल किया जा रहा था, जिसे ही रोकने के लिए इस प्रकार का न्यूज बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से हमें इस डैशबोर्ड को लॉगिन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करना होगा। ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी न्यूली इन्फॉर्मेशन रहेगी आप तक जल्दी पहुंचेगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमें इसे लॉगिन करने के लिए अपने डिजिटल सेवा को पोर्टल को पहले ओपन करना होगा। जैसे ही आप दोस्तों अपने डिजिटल सेवा के पोर्टल को ओपन करके लॉगिन कर लेंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड दोस्तों आपको कुछ देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा कर्सर डाउन करना है और दोस्तों यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे न्यूली अराइवेड का, तो दोस्तों आपको यहीं पर थोड़ा सा वेट करना है, फर्स्ट में ही आपको नज़र आ जाएगा इससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना से। तो दोस्तों वो ऑप्शन आ चुकी है, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, तो इसी पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों इस साइड आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन व्यू प्रोडक्ट का, तो यहीं पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम फर्स्ट बार व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो हमारी सीएससी आईडी शो करेगी और वहां पे हमें यस करना रहेगा। उसके बाद जैसे हम यस कर लेंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों 1 से 2 सप्ताह के अंदर ये जो भी योजना है वो पंचायत भवनों में चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज में इस वेबसाइट को अभी बनाया गया है और अभी कुछ कुछ चीज़ें इसमें होना बाकी है। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे सीएससी वीएलई का अभी मैप करना बाकी है और वही इसमें लॉगिन कर पाएंगे या फिर सभी लोग लॉगिन कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय में सारी जानकारी आप तक प्राप्त हो ही जाएगी। तो चलिए हम पहले उस संकल्प फॉर्म को देख लेंगे जो पहले भी हमने बताया था अपने वीडियो के माध्यम से, वो कौन सी फॉर्म है। ये रहा दोस्तों संकल्प वाली पीडीएफ, जिसमें दोस्तों सीएससी वीएलई को पूरी नियमावली बताई गई है कि किस प्रकार के लाभुक इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होंगे या किस प्रकार से आपको आगे कार्य करना है। तो दोस्तों इसमें सारी जानकारी 5 पेजों में बताया गया है, जिसे दोस्तों आप भी पहले ही इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों कौन सी फॉर्म है जिसे फेक कहा जा रहा था, और हमने पहले भी कहा था फॉर्म तो वही है लेकिन निःशुल्क फॉर्म की बात जहाँ तक है तो वो आपको आंगनबाड़ी से हमारे लाभार्थियों को मिलेगा। तो दोस्तों फॉर्म का फॉर्मेट भी वही है जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसे हमने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी किया है। थोड़ा सा इस फॉर्म में यहाँ पे चेंजेस किया गया है जिसे आप भी देख पा रहे होंगे। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी और तुरंत आप अपडेट हो जाएंगे। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।